વાપી ખાતે પંજાબી અને શીખ સમાજ દ્વારા ગુરુનાનક દેવજી મહારાજના 550માં પ્રકાશ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગુરુનાનક દેવજી મહારાજની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વાપીના ગુરુદ્વારા ખાતે યોજાયેલ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં વાપી ઉપરાંત દમણ અને સેલવાસમાં રહેતા શીખ સમુદાયના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે નગર કીર્તન યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો વાહનો સાથે જોડાયા હતા. सदना एज चेयरमैन ऑफ वापी पंजाबी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से सबसे पहले पूरे न केवल सिख समाज को पर पूरे भारतवर्ष के वासियों को मुबारकबाद देता हूँ. आज हम उस शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं, प्रकाश पर्व मना रहे हैं जो 550 साल पहले इस धरती पर आए थे और उन्होंने उस समय से जो कुरीतियाँ फैली हुई थी और जो जोर और जबर की जो मुसलमान लोगों की तरफ से भी हो रहा था उन सब का उन्होंने विरोध किया और एक सच्चा राह बताया. उनके जो शिष्य बने उन्हें सिख कहा गया, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सभी धर्मों के लोग उसके साथ थे. सबसे पहले उन्होंने क्या है कि सती प्रथा जैसी कुरीतियों को नकारा, उसके साथ साथ आज हम जो इक्वलिटी की मेल और फीमेल के बीच के ग्रुप को एक जैसा देखने के लिए सब जगह से पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है उसे 550 साल पहले उन्होंने बोला था कि सो क्यों मंदा की है जिदमे राजान, ऐसी स्थितियों को क्यों बुरा कहते हैं जिन्होंने राजाओं को भी जन्म दिया है. वैसी शख्सियत का जन्मदिन आप देख रहे हैं, बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है. इसके साथ ही ब्लड बैंक का हमने अरेंजमेंट किया है, इसमें हम HDFC बैंक, हमारे साथ सिंधी एसोसिएशन, उसके साथ सेवाभावी संस्था और लायंस क्लब वगैरह ने सबने मिलकर हमें पूरा सहकार दिया है और मुझे आज ही नहीं विश्वास है कि इसी तरह का जो हमारे गुरुओं ने धर्म फैलाया है, जो एकता और अखंडता के बारे में कहा है, उसे हम भी उसी बात पर चलेंगे और इस तरह से आप सबको भी एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं. धन्यवाद.